Hello everyone, how are you? I hope you are fit and fine at your home. Welcome to CR International School online classes. In which class do you study beta? KG class. Okay, आप क्या बताओगे? I read in KG class. आज हम कौन सा सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं? देखो इंग्लिश का. किसका? इंग्लिश का. आज का हमारा टॉपिक न्यू है. ओके, इसलिए अच्छे से ध्यान से सुनना है आपको और समझना है. ठीक है बेटा, देखो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ दिस. use use of this. क्या बोला मैम ने? this. this means क्या होता है? यह है, यह है. ठीक है, this means क्या होता है? यह है. आज हम use of this सीखेंगे. ठीक है, कि this का प्रयोग कैसे किया जाता है. ओके, देखो एक होता है this, this, ठीक है, और एक होता है that, that, okay? This means होता है यह, और that means होता है वह. ठीक है, this means क्या होता है? यह, और that means वह. आपको बेटा इसमें ये ध्यान रखना है कि दिस का प्रयोग किस लिए करते हैं? जो चीज़ हमारे पास होती है, हमारे नियर होती है. ठीक है, नियर मीन्स पास. जो चीज़ हमारे पास होती है, जैसे कि मेरे पास इस वक्त ये मार्कर है ना, तो ये मेरे पास है, तो इसको, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दिस. ये मेरे पास है, इसको मैं टच कर सकती हूँ, छू सकते हैं इसको हम. ठीक है, जो चीज़ हमारे पास होती है, हमारे नियर होती है, उन चीज़ों के लिए हम दिस का यूज़ करते हैं. ठीक है, और जो चीज़ हमारे हमसे दूर होती है, जैसे वहाँ पर एक बुक रखी है, ठीक है, जो जिसको मैं टच नहीं कर सकती, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है हमसे दूर, जिसको हम टच, जहाँ खड़े खड़े या बैठे हुए हम उसको टच नहीं कर सकते. ठीक है, वो फार है, यानी कि दूर है हमसे. तो दूर वाली चीज़ों के लिए, जो फार होती हैं, दूर होती हैं, उन चीज़ों के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. ओके, बट आज हम ओनली दिस के टॉपिक पर, दिस का टॉपिक ही आज हम देख अच्छे से समझेंगे. दैट का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, तो आपको दिस के टॉपिक की अच्छे से इसको समझना है. दिस मीन्स यह है, और ये नियर की, पास की चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं. ओके, जैसे मेरे पास ये मार्कर है. ओके, ये स्केल भी है मेरे पास, जिसको मैं छू सकती हूँ. ठीक है, तो और कुछ सेंटेंसेस भी लिखे हैं. ठीक है, आज हम इन सेंटेंस को देखेंगे और दिस का प्रयोग करना सीखेंगे. ओके बेटा, अब आप ध्यान से देखना. देखो मैम ने किसकी पिक बनाई है? मैंगो की. ये क्या है? डैश, डैश लगाया है. हमको यहाँ पे फिल करना है. क्या फिल करना है? दिस. दिस फिल क्यों करेंगे वो हम आपको बताते हैं. डैश आई एस इज अ एम ए एन जी ओ मैंगो. डैश इज अ मैंगो. ठीक है, अब देखो ये मैंगो बहुत ही पास है. ठीक है, पास में है, नियर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? दिस. और दैट के प्रयोग के लिए हम पिक्चर कहाँ बनाएंगे? दूर बनाएंगे. ओके बेटा, कहाँ बनाएंगे? इस साइड दूर बनाएंगे. वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाएंगे, लेकिन अभी आपको ओनली दिस सीखना है. दिस के लिए हम डैश के पास ही पिक्चर लगाएंगे. ठीक है, नियर दिखाने के लिए. डैश इज अ मैंगो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पास है, डैश के पास है, तो क्या लिखेंगे? दिस, टी एच आई एस, दिस. दिस इज अ मैंगो. यह एक आम है. अ मीन्स एक, दिस मीन्स यह, मैंगो मीन्स आम, इज मीन्स है. दिस इज अ मैंगो, यह एक आम है. ओके बेटा, अब सेकंड देखो. सेकंड में डैश के पास क्या है? बॉल. मैम ने सेंटेंस में भी बॉल लिखा होगा. देखो डैश आई एस इज अ बी ए डबल एल बॉल. डैश इज अ बॉल.
अब डैश के पास बोल बनी है, नियर है, पास है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस। ठीक है, दिस की स्पेलिंग कैसे लिखेंगे लर्न करनी है आपको, टी एच आई एस, दिस। दिस की स्पेलिंग क्या होती है, टी एच आई एस, फोर लेटर होते हैं, टी एच आई एस, दिस। दिस मीन्स यह है, दिस इज अ बॉल, दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, बॉल मीन्स बॉल, दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है। स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना, दिस का प्रयोग एक सिंगल चीज के लिए ही होगा, ओके, सिंगल थिंग के लिए ही होगा। ये अब सिंगल है, सिंगल मैंगो है, वन ही है, ठीक है, वन है, वन ओनली, वन चीज के लिए, सिंगल चीज के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, फ्लावर, डैश इज अ एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर। तो हम यहाँ पे क्या फील करेंगे बताओ, डैश के पास ही है ना फ्लावर, तो पास वाली चीज के लिए, नियर वाली चीज के लिए, जो चीज हमारे पास होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, दिस। अब दिस की स्पेलिंग बोलो, टी एच आई एस, दिस। दिस इज अ फ्लावर, दिस मीन्स यह है, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, फ्लावर मीन्स फूल, दिस इज अ फ्लावर, यह एक फूल है। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ एच यू टी हट, डैश इज आई एस इज अ एच यू टी हट, हट मीन्स क्या होती है, झोपड़ी, डैश इज अ हट, यह एक झोपड़ी है, यह एक झोपड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या, डैश के पास है पिक्चर, तो क्या लिखेंगे, दिस, टी एच आई एस, दिस। डैश के पास पिक्चर है तो दिस इसलिए लिखना है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास भी आसपास भी चीजें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ओके, तो उनके लिए हम क्या लिखते हैं, दिस, क्या लिखते हैं, दिस, दिस इज अ हट, यह एक झोपड़ी है, ओके। आज आपको ये आपका एक न्यू टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। सबसे पहले आपको दिस की स्पेलिंग लर्न करनी है, दिस का मीनिंग लर्न करना है, दिस की स्पेलिंग क्या है, टी एच आई एस, दिस, और दिस का मतलब क्या होता है, यह है, किसके लिए प्रयोग होता है, किसी भी एक सिंगल थिंग के लिए, किसी भी एक सिंगल चीज के लिए, और जो हमारे पास होती हैं, नियर होती हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए क्या यूज़ होता है, दिस। जैसे कि दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ स्केल, ओके। अब आपको अच्छे से ये समझना है, इन सेंटेंसेस को रीड करना है, पढ़ना है, और इतना ध्यान रखना, आपको लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप जरूर लगाना है, ओके। लास्ट में क्या लगाओगे, फुल स्टॉप। सेम ऐसे देखते कितने बच्चे सुंदर सुंदर वर्क करके सेंड करते हैं आज, ओके। अच्छे से समझना भी है, अच्छे से वर्क करके समझ के अपनी मैम को सेंड करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।